हाय एवरीवन, ये वीडियो हम लोग नशा मुक्ति केंद्र से बना रहे हैं, लास्ट रिहैब से देहरादून से। यहाँ पे हमारे भाई लोग हैं, उनका बर्थडे आज, रिकवरी बर्थडे। रिकवरी बर्थडे उसे बोलते हैं जब कोई आदमी शराब और नशे से एक साल दूर हो जाता है, तो उसका फर्स्ट बर्थडे माना जाता है। ऐसे ही हमारे पास जो आए हुए हैं उनका जो है, एक का तो जो है चौथा साल कंप्लीट हो गया और एक का जो है एक साल कंप्लीट हुआ है, तो आज उनके रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। उसमें सेवई बना के रखी हुई हमने और रोटियां हमारी बन चुकी हैं, बाकी चिकन बना रहे हैं। आपको भी थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि कैसे बड़े स्केल पर कुकिंग होती है, तो कैसे होती है। इसको काफी भूनना है प्याज को, और थोड़ा सा इसमें हल्का सा नमक डालना है, तो जो इसका वाटर है वो सारा खत्म हो जाएगा। ये जल्दी भुनेगी प्याज। हम लोग प्रेयर करते हैं कि भाई जो ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन और अमेरिका वगैरह का, रशिया का, ये शांत हो जाए और भारत अच्छा देश है, क्योंकि भारत ऐसी पड़ी लकड़ियां नहीं लेता और दूसरे का भरोसे नहीं उबलता कभी, क्योंकि जो दूसरों के भरोसे पे उबलते हैं ना, उनका यही हाल होता है यूक्रेन जैसा। इसे भूनना है अभी हमने काफी। ये देखो, ये हमारे दोस्त लोग हैं, हमेशा के हमारे पक्के दोस्त। इनके साथ हमारी दोस्ती ऐसी हुई है, हम सब रिहैब से जुड़ के ही दोस्त बने और वी ऑल आर एंजॉइंग। और ये चिकन देख करके हमारे को बड़ी आत्मा खुशी, और हम इसे खा खा के बोर भी हो चुके हैं, बट हम खाते हैं। मटन भी खाएंगे हम। अब दोस्तों देखो, नशा मुक्ति का असली फॉर्मूला यह है, बकरे की चर्बी, ये डालते हम लोग इसमें। रिफाइंड आपके सामने डाला, ये चर्बी डाल दी बकरे की। अब आप देख रहे हैं इसमें पूरा मटन का फ्लेवर आएगा। चर्बी गलाता हूं मैं पहले थोड़ी देर। अब ये प्याज हो गया बिल्कुल ब्राउन, अब डालते इसमें टमाटर। कितना ही और डलेगा अभी, टमाटर काट रहे हैं बच्चे लोग अभी, कितने ही और लाओ। और इसमें एक पैकेट डाल दिया मैंने एमडीएच का पूरा, बहुत मेहनत लगती है यार। अगर बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही बनाना है जैसा एक किलो बनाते हैं, तो वैसे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी हम मसाला और डाल लेंगे, इतने टमाटर और डाल लें इसमें। बस ये इतना टमाटर डाल दिया हमने इसमें, करीबन 4 किलो टमाटर डाला है और 5 किलो प्याज है, 4 किलो टमाटर। अब इसको बिल्कुल फाइन गलने तक पकाते ही रहेंगे, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। ये भी अपने घर से आ गया, किसने बुलाया था तेरे को? अपने आप आ गया। चल कोई नहीं, आ गया था। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कर सकते यार, ये 50-60 आदमियों ने खाना है इसे, और बिल्कुल फाइन इसकी ग्रेवी नहीं हो जाती जब तक मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो टमाटर है वो पूरा गलाना बहुत जरूरी है। जो आप इसमें एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कलर, वो अभी आएगा थोड़ी देर बाद, पहले इसको गला देते हैं। ये स्पेशल चाय बन रही है और आज जो है इसके साथ समोसा भी मिलेगा, अभी एक एक समोसा मंगवा दिया। ओके, समोसा मंगवाया। बाकी चाय बन रही है दोस्तों, पानी गर्म चिकन के लिए हो रहा है। ये चल रही कार्रवाई, आपको दिखाता हूं अभी। डालना भाई, चिकन का थोड़ा सा स्मेल कम हो जाएगा फिर। वैसे हमारे चिकन में आएगी नहीं स्मेल, क्यों मसाले को बहुत फाइन पका रहे हैं। अब डालते हैं इसमें ये जो आपको चाहिए था असली कलर, इसी से आएगा वो। ये फ्रेंड्स देखिए मिर्च, और एक डब्बा इसमें, और दूसरा डब्बा मीट मसाले का, दो डब्बे इसमें पड़ गया एमडीएच मीट मसाला और एक डब्बा पड़ गया इसमें देगी मिर्च। इसको और
पकाने से पहले इसके अंदर चिकन डाल देते हैं हम। अब देखो इसका कलर कैसा हो गया, वो रेडनेस आने लगी इसमें। बस अब इसमें चिकन पलटी करते हैं। लाओ भाई दोस्त चिकन लाओ, डालो पूरे चिकन। चलाना है हमने काफी देर तक, पानी न छोड़े, बस ये ध्यान रखना पानी न छोड़े। इसे काफी देर चला के अब इसे 2-4 मिनट के लिए ढक्कन रख देते हैं इस पे, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। ढकने से यार अभी ढक, अब इसे ढक दिया हमने, तो अब जो मैं बात बता रहा हूँ सब बात को ध्यान से सुनना आप। एक हमारा दोस्त था, वो करता था होटल में शेफ का काम, बड़े होटल में। तो मुझे कहने लग गया कि मेरे होटल में जो भी कस्टमर आते हैं ना, वो बार बार मेरा ही नाम पूछते हैं वहां पे कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। कह रहा मैं एग करी में ना उनको मटन की करी डाल के दे देता था, तो उनको मटन का फ्लेवर आता था एग करी में, और जो दूसरा शेफ थे उनको पता ही नहीं थी ये बात। तो बार बार जो है, तो भी होटल लाइन का ही है ना, ये भी होटल वाला ही है बंदा मेरे साथ, पर अभी छोटा बच्चा है इससे बात नहीं करवा रहा मैं। अभी से देखते चिकन को आगे, ये देखो अब इसके पीस फूल के बड़े हो गए, मोटा हो जाते हैं भाप में पक्के। तो ये हो गया इसकी कंडीशन। अभी ये है, ये एक पीस को ध्यान से देखते हैं, ये इसका लेग पीस है और फूल गया है, काफी पहले से फूल गया है। पीस हमने बड़े इसलिए रखवाते हैं यार, ज्यादा कभी भी बनाओ ना तो पीस बड़े रखो, नहीं तो वो फिर गल के खराब हो जाते चिकन। अब इसको भून दिया मैंने काफी, अब इसमें थोड़ी सी दही डालता हूँ। ये दही इसको और टेंडर कर देगी, गलने नहीं देगी इसे। फिर इसमें पानी डालेगा थोड़ी देर में, कलर भी बैलेंस आ जाएगा। अभी चिकन वगैरह हम बनाते ही रहते हैं यार कई बार, मटन चिकन, पर ये कितना भी खा लेते हैं कभी बोलते नहीं है अपने घर वालों को कि हाँ हमें कुछ खाने पीने को मिलता है, कुछ नहीं। ये बोलते हैं कि हमें खाना नहीं मिलता, तो कौन नसेड़ी है, वो तो अपने घर वालों के लिए भी यही बोलते हैं, मेरा पिताजी ठीक नहीं है, क्या बोल सकते हैं। थोड़ा सा घी डाल रहे हैं इसमें खुशबू के लिए। इसका रंग रूप ऐसा हो गया दोस्तों, भून भून के स्नैक ग्रेवी है ये, थोड़ा सा और सुखाते हैं इसे। चलो जी पानी डालो इसमें। मेरे को कोई शौक नहीं है यार चिकन मटन बनाने का, मैं कई 15 साल से बना रहा। मैं मेरे मदर और फादर दोनों मिलिट्री में थे, और मेरे को हफ्ते का ही एक एक दो दो किलो बकरा आता था मेरे घर पे, तो दोस्त यारी में भी बहुत बनाया मैंने। बस ये लोग मेरे को जबरदस्ती करते हैं कि भाई जी आप ही बनाओ, इसलिए मेरे को बर्थडे के दिन भी यहीं पर रहना पड़ता है। अब मैं बनाता हूँ तो मैं वीडियोज भी बना लेता हूँ, उधर ऑफिस में कोई मिलने आ रखे। डाल भाई पानी डाल फटाफट, पूरा पानी डाल, धीरे धीरे डाल, पूरा डाल दे। इसमें अगर और भी डालेगा ना पानी तो वो भी निपटा देंगे वो। तो अभी तो पकाते रहते हैं थोड़ी देर, फिर दिखाता हूँ इसकी जो फाइनल फोटो होगी वो थंबनेल पे लगा दूंगा खाते हुए। और अभी से पकाने हमने सिर्फ एक दो बार इस पर उबाल आने देना है, फिर 10 मिनट बाद इसके ऊपर पूरा इसका तेल तूल सब ऊपर आ जाएगा उबल के। थोड़ा पानी और डलेगा भाई, लोग बल रहा है ये, इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं। नाउ वी विल ऐड द सॉल्ट। चिकन में पहले कभी भी नमक मत डालना यार, गल जाता है।
बॉइलिंग पॉइंट और ऊपर आ जाएगा ग्लोबल। अब अभी अभी हमारे पास दो तीन पेशेंट आ रखे हैं, मेरे को ये सोच रहा हूँ उनको क्या खिलाऊं, खिचड़ी बनाऊं या ये खिला दूं। ये जो अभी मेरे साथ लड़का खड़ा है ये भी शेफ है। भैया कौन से होटल में काम करते थे तुम? जी मैं लेमन ट्री होटल में। जोर से बोलो। लेमन ट्री होटल राजस्थान में। लेमन ट्री राजस्थान। और बाहर देश भी गया कभी? नहीं जी, अब जाने वाला था। अब जाने वाला था। ये लेमन ट्री में था दोस्तों, बहुत बड़ी चेन है हम सभी जानते हैं। और अंगूर खा ले भाई, खा ले, मेरी तरफ से खा। तो यहाँ पे तो ऐसे ऐसे बच्चे आके जा रखे हैं जो अभी जो है वो विवेक किसमें, जेपी मैरियट में। तुम जानते हो विवेक को? जानते देवरानी को? विवेक वो जेपी मैरियट में हैदराबाद में, उसका छोटा भाई भी होटल में। और एक हमारे पास जो है ऐसा सैफ रह गया था जो वहां का था, रेडिसन ब्लू दिल्ली। बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे भी आए। कोई बड़ी शर्म की बात नहीं यार, शराब पीना सीख जाते हैं लोग, छोड़ भी देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाल फिलहाल के लिए चिकन बन चुका भाई लोग, और इसे इंजॉय करना है तो आ सकते हैं आप। आपके प्यार के लिए धन्यवाद बहुत ज्यादा। थोड़ा सा धनिया डाल के छोड़ देते हैं अब, और इसको ढकना नहीं है पूरा, आधा ढक के रखना क्योंकि फिनी तो पूरा गल जाएगा। तो अब इसको थंबनेल पे लगा देंगे फाइनल फोटो। और आपने इसे देखा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, डोंट डू ड्रग्स।